इस तरह से कोई मतलब दो चार दिन जाकर के पार्टी से यदि बागी हो जाए तो फिर सारी जनता है वो भी तो पार्टी जुड़ी हुई है, कल कोई भी कह दे कि मुझे टिकट नहीं दी मैं बागी हो जाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत है। यदि पार्टी निर्दलीय वगैरह गुंडा राज कर रहे हैं, बिल्कुल जो फतेह खान है वो भी जीत के भी कांग्रेस में जाएगा, इसलिए हम जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट देने वाले है ही नहीं, तो किसी निर्दलीय के साथ नहीं जाएंगे। और रविंद्र सिंह जी है वो तो युवाओं को इकट्ठा करके उड़दंग फैला रहे हैं, ऐसे बिना फालतू माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बीजेपी के साथ में, बीजेपी को वोट देंगे। बागी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो ठीक है अपने स्वार्थ के लिए बागी हुए, बाकी अगर वो कहकर पार्टी को चाहते तो पार्टी के साथ में रहते। दोस्तों, मैं बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान के अंदर है, और जिसके अंदर युवा और यहाँ के पुराने कार्यकर्ता, कई विजित और कई निर्दलीय, इस प्रकार के एक गठजोड़ बना हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, मैं आज रामसर गाँव में आया हूँ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बुजुर्ग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। राम राम सर। राम सर। क्या नाम है आपका? मारा नाम डूंगरा राम नाम है, मेघवाल हूँ। अच्छा, हाँ राम सर। घनी टाइम राम सर का लोग आपको नेतो किन चुनना चाहोगे? मार तो यहाँ के मोदी जी ने चुनना चाहूंगा। मोदी जी ने? हाँ, मार तो यहाँ के हर आदमी रो भलो हुआ, हर जाति रो भलो हुआ, कोई मतभेद है कोनी, बिचार कोई जातिवाद करे जातिवाद में है कोनी, ये सब मार तो विचार है मोदी जी रो, क्योंकि मोदी जी भेड़ो रहे बड़ा मेरे, हम भी जो माम के किसों को मार दिए सेंगे भला है। एक मोदी जी है जितने हिंदुस्तान है, मोदी जी नहीं है तो पेड़ के वही बा क्या देखे बा, आज बा, मैं इस हंत्र पचित्र लिया तो हिंगा पालतियों में रहा बा, ये जोड़े तो कोई हो नहीं सके। मोदी जी तो मजबूत जद वेग भाई थे, अटो कहीं करो तो मैं बीजेपी ने बोल दे। हाँ हाँ, बीजेपी ने बोल दे खुला सा। मारो नाम राजू है। बीजेपी ने वोट दिया तन मन में। बीजेपी कौन है धारट कौन है? बीजेपी में कैंडिडेट ठाकुर अपने स्वरूप सिंह। अच्छा, स्वरूप सिंह ने जानो माने। हाँ, की कर बे? बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। चार भले बेटा भे वोट बीजेपी ने देने वाला भले चार बैठा है सब। युवा कहीं कहे? युवा स्वरूप सिंह खारा को वोट देके विजय बनाएंगे। युवा क्या कहता? बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा को विजय बनाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं? हमारी यही इच्छा है स्वरूप सिंह को विजय बनाए। कारण का बूढ़िया तो भाई बांग हाथे भाई रे उड़ा थारे युवा के कहीं कारण? युवा का उस्ता है सिम में। हाँ। युवा मारी बातों से जीताएगा स्वरूप सिंह को। अच्छा, आप लोग कहीं राय? हमारे बीजेपी को शिव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो स्वरूप सिंह जी है ना, ये दौड़े दौड़े आया थारे सोशल। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, आप आए तो हम कह रहे हैं, हम यहाँ से शिव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वरूप सिंह जी खारा को भारी बहुमत से जीता करके और विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है, ये कर्मठ व्यक्ति है, धरातल पर काम करने वाले है, और ये पिछले 3 सालों से हमारे बाड़मेर जिले के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये हर एक आदमी से मिलनसार है, हर एक आदमी छोटे और बड़े से लेकर के समान समझने वाला व्यक्ति है, और ये भारी मतों से जीत करके जाएंगे। हम स्वरूप सिंह जी खारा साहब को चाहते हैं। हमारे पूरी अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारा मैं जिले का नेतृत्व करता हूँ, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा स्वरूप सिंह खारा के साथ है। बिल्कुल बीजेपी को, ठीक है ना, दूसरा किसी को नहीं देंगे। वो निर्दलीय वगैरह गुंडा राज कर रहे हैं, बिल्कुल जो फतेह खान है वो भी जीत के भी कांग्रेस में जाएगा, इसलिए हम जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट देने वाले है ही नहीं, तो किसी निर्दलीय के साथ नहीं जाएंगे। और रविंद्र सिंह जी है वो तो युवाओं को इकट्ठा करके उड़दंग फैला रहे हैं, ऐसे बिना फालतू माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बीजेपी के साथ में, बीजेपी को वोट देंगे। और हमारे स्वरूप सिंह जी जो खड़ा है उनको हम प्रत्याशी है जो हमारे MLA बना के हम मतलब तय दिल से मतलब मतदान अधिक से अधिक संख्या में करके और उनको मतलब विधानसभा कोई मतलब दो चार दिन जाकर के पार्टी से यदि बागी हो जाए तो फिर सारी जनता है वो भी तो पार्टी जुड़ी हुई है, कल कोई भी कह दे कि मुझे टिकट नहीं दी मैं बागी हो जाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत है। यदि पार्टी के साथ जुड़े, काम करे, 5-7-10 साल तक काम करे, उसके बाद में कहें, पहले कहने का उनको मौका हक भी नहीं है उनका। क्या नाम? धन सिंह। धन सिंह। हाँ, क्या आप युवा हैं, क्या कहना चाहोगे अपने स्वरूप सिंह को? स्वरूप सिंह, रविंद्र सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो और वो भी युवा। देखो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, भले रविंद्र सिंह हो भले कौन, अपन तो बीजेपी से बीजेपी को वोट देंगे। अगर वो बीजेपी में होते तो उनको दे देते, यदि पार्टी टिकट देती वोट तो उनको पार्टी वोट देते। अब उनका बागी होने पे आप लोगों की क्या राय है? बागी आप देखो सब अलग अलग है, किसी का कुछ नहीं बोल सकते। बागी होने पे क्या कहना चाहोगे यहाँ के लोग, कोई भी जो भी पार्टी किसी पार्टी का? बागी का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो ठीक है अपने स्वार्थ के लिए बागी हुए, बाकी अगर वो कहकर पार्टी को चाहते तो पार्टी के साथ में रहते, और आगे आगे 5 साल के लिए वो तैयारी करते तो फिर उनको पार्टी मौका जरूर देती। तैयारी करते तो मौका जरूर देती। आप क्या कहना चाहोगे?
हम तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से स्वरूप सिंह खारा को विजय बनाएंगे। बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग बागी हुए हैं, टिकट नहीं मिला। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम करते तो रविंद्र सिंह को भी मिलता, फतेह खान को भी मिलता टिकट, लेकिन परिश्रम ये लोगों ने किया नहीं, बागी होने से पार्टी टिकट नहीं देगी। बागी होने से पार्टी टिकट नहीं देगी, थारे कहीं घाटी फिरा कहीं थे कहना चाहो बागियों के बारे में कहीं कहना। अब तो बागियों के बारे में टिकट दे दो, पाँच साल कम से कम तो पार्टी में रहे, पाँच दिन से दे तो कोई वोट नहीं देगा। हमारे यहाँ युवा भी नहीं देगा तो उनके बाकी ज़्यादा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे और स्वरूप सिंह खारा को देंगे। स्वरूप सिंह खारा बिल्कुल, कितने वर्षों से जानते हो पार्टी में, कितने टाइम से? हम तो पार्टी में इतना क्या इंटरेस्ट नहीं लेते किसी पार्टी, हम मोदी जी के पीछे हैं, मोदी जी जहाँ जाएंगे जिसको भी खड़ा करेंगे उसको देंगे। रविंद्र सिंह को अगर बीजेपी ने टिकट दिया तो दे, अब नहीं देंगे, स्वरूप सिंह खारा को ही देंगे। हमारे जैन समाज के जितने भी है ना, स्वरूप सिंह खारा को ही देंगे। यहाँ से कितने वोट हैं आपके इस गांव में, रामसर गांव? रामसर में 4000 के समथिंग वोट है। 4000 जी। और वोटिंग कितनी होती है यहाँ पर, कितने परसेंट वोटिंग होती है? वोटिंग तो इस बार 80% हो जाएगी। 80%? हाँ 80% हो जाएगी इस बार। क्या अब तो इसमें ये सब दुकानें खोली है तो इसकी वजह से। रामसर के लोग किसको किमर नेता मानते हो, किसको दुकानदार मानते हो? हम तो नेता तो नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं, जो केंद्र का नेतृत्व करते हैं और वही योजना सीधी अपने आम जन में पहुंचे तो उसको मजबूत करेंगे तो आम जन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी आप देख रही हो, पेपर लीक का मामला है, गुंडा राज है, तुष्टिकरण की नीति राजनीति हो रही है, निर्माण किया है। वर्तमान में कांग्रेस के हैं, उन्होंने अपने चहितों का ही काम किया है, दूसरे लोगों का काम किया नहीं है। अपने दीनदयाल की योजना दो बार हमने कैलाश जी से कह के यहाँ पे चालू करवाई तो उन्होंने अपने चाहितों का ही काम किया। यहाँ से पहली बार किया तो उन्होंने सजन के पार का काम किया, उसके बाद में पांडी के पार का किया और इस बार आई तो उन्होंने ये कंटल के पार का काम किया। तो दूसरी जो भी हमारी जो बीजेपी की मूलभूत लोग जो रह रहे हैं उनकी जनसंख्या वाले पंचायती थी उनका काम नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया, रोडे डाल रहे हैं। तो पानी की समस्या है, हरि सिंह की बीजेपी की सरकार थी तो कभी तकलीफ नहीं, पर अभी ऐसा कैसा हाल है पानी की? मोदी जी ने यहाँ पे ये नर्मदा नहर लाई है तो जहाँ जहाँ अपने अपने चाहते हैं उनका काम किया है और बाकी वालों का काम नहीं किया है। तो बाकी वालों का नाम काम नहीं किया तो हमको इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकेंगे। बाबा जी आप रुका नाम है भोजाराम। अच्छा भोजाराम जी। जी भोजाराम जी, थारा ठीक कर मामलो नेता अगला मैदान में घना उतरिया बीजेपी। बीजेपी जी काम तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब तो बीजेपी को तो जिताएंगे। बीजेपी को जी हाँ, इस बार युवाओं के साथ में अत्याचार किया, 17 बार पेपर लीक के मामले हुए तो सब पब्लिक को मालूम नहीं है क्या? इन युवाओं को मालूम नहीं है? सबके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। युवा खड़े हैं, क्या कहना आप लोगों? हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही युवाओं को आगे बढ़ाएगी और यहाँ से स्वरूप सिंह भी युवा हैं और मजबूत दावेदार हैं और सभी की पैरवी करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से विजय होगी। तो दोस्तों ये रामसर के अंदर मैं खड़ा था, रामसर के लोग थे वो अपनी जो है बात रख रहे थे। यहाँ लोगों का एक ही मत है कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है और जो बागी हुए हैं उन लोगों को जो है सबक सिखाने का काम जो है सीव विधानसभा क्षेत्र की जनता करने का प्रयास कर रही है। मैं आपका भोज भाई फिर आ जाऊँगा, आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।